नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लोगों की लगी भीड़, नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। राजू ने बताया कि हम लोग दो दिन से परेशान हो रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं निकाला है और यहां पर पुलिस प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि भयंकर भीड़ लगी हुई है और कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। राजू भाई ने बताया कि हम पैसे निकालने दो दिन से परेशान है और बैंक मैनेजर बोल देता है कि आपका खाता बंद है इसलिए पैसे नहीं निकाल रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोगों के खाते बंद बताने वालों की भीड़ अधिक देखी जा रही है। जब मीडिया की टीम बैंक पर पहुंची और लोगों से पूछा कि पुलिस की व्यवस्था नहीं है, जब जाकर बैंक कर्मी ने फोन पर एक पुलिस वाले को बुलाकर एक लाइन लगवाई और एक मीटर की दूरी बनाई और मुंह से मास्क लगवाए। छीमक से संवाददाता बीरेंद्र पराशर की खास रिपोर्ट। बैंक पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि पूरी मार्केट बाजार बंद है और सेंट्रल बैंक पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन भी इस पर सतर्क नहीं है, जबकि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भीड़ लग रही है, इससे आप बचाव कर रहे हो? नहीं, अभी यहाँ पे जो भीड़ लगी थी, आप थे उनमें? नहीं, पैसे निकल गए आपके कि नहीं निकले? कितने दिन से आ रहे हो? ये पहले महीने आए थे, नहीं निकले थे। कहाँ से आए हो? पूसा से। पूसा से काहे के लिए आए हो? पैसा निकालने। पैसे निकले आपके? नहीं निकले। क्या बोल रहे हैं? खाता बंद हो चुका है तुम्हारा। फिर अब कुछ नहीं कह रही हूँ ना, थोड़ी बात मिल जाएंगे तो ठीक है। यहाँ पे जो भीड़ लग रही हो उसमें शामिल आप भी हो, क्या बोल रहे हैं? भीड़ हटा रहे हैं कि नहीं? क्या कर रहे, हट जाओ दूर, अलग अलग हो जाओ। कितने दिन से परेशान हो रही हैं जो पैसे निकालने के? दो बार आ चुके। फिर कह रहे खाता बंद है तुम्हारा, खाता बंद है तो चालू करने की बोल रहे हैं? अब मैं तो कुछ नहीं बोली, उसने कहा आप बैठ जाइए।